इसे योगीराज की देन कहा जा सकता है कि गुजरे 4 महीने के दौरान धर्म के नाम पर दहशत फैलाने की छूट दे दी गई है। गुजरे दिनों कांवड़ जैसी पवित्र धर्म यात्रा में हथियारों के खुलेआम प्रदर्शन किया गया, तो अब भगवान श्री कृष्ण जी की शोभा यात्रा के बहाने हथियारों को नचाकर दहशत फैलाई गई। सवाल ये है कि ये लोग धर्म को बदनाम करने में क्यों लगे हैं? इनको कौन सहारा दे रहा है? हथियारों के खुले प्रदर्शन को देखने के बाद भी कानून के रखवाले किसकी दहशत से डरे सहमे हैं? इसको रोकने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अपने इलाके में से होता है, इलाका हमारा है और टीचे हमारा।